मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? एक एच का कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा नहीं होता नहीं ऑनेस्ट वन गैस। तो कल की क्लास में हम थोड़ा थोड़ा समझा कर लास्ट में से आज फिर से कल का भी सारा रिकैप दे रहे हैं, जितना क्लास समझाया गया था उसका भी, क्योंकि जरूरत है। तो यहाँ दो हाइड्रोजन के सबसे पहले ये हम समझाने जा रहे हैं कि इस डायग्राम में कौन से ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड और कौन से ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड हो और कब सिग्मा कब पाई यूज करेंगे। तो आपको बता दें कि एस ऑर्बिटल का आकार स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये स्फेरिकल शेप के चलते अपने से एसएस से ओवरलैपिंग करे चाहे एसएस एसपी से ओवरलैपिंग करे, एसपी से ओवरलैपिंग ऐसे भी करेगा तो ये सारा ओवरलैपिंग लीनियर ही कहलाता है। तो आपको बता दें कि एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस कोई ऐसा है उसके साथ हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही लगेगा, सिग्मा बॉन्ड ही यूज होगा। यही कारण है यहाँ सिग्मा वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा एंटीबॉडी टू एस यूज किया गया है। तो यहाँ पर बता रहे थे जो जी कि S किसी का आएगा तो सिग्मा वाले सिग्मा ही लगेगा, 2S 3S सबके साथ सिग्मा। तो यहाँ S का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ। अब हम ले चलते हैं P ऑर्बिटल के पास। आप लोग को पता है P सब सेल में तीन ऑर्बिटल होता है और तीनों का नेम जल्दी जल्दी बता दीजिए, 2PX 2PY। तो जब दो एटम के अलग अलग पी ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते हैं तो अलग अलग ये है, एक एटम का पी ऑर्बिटल तीनों पी ऑर्बिटल, इसमें हमने एक परिवर्तन किया है कि इसको एक्स एक्सिस इसको वाई इसको जेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप इसको भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको माने हैं एक्स वाई जेड तो देखिए उससे क्या हो रहा है। अब दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल आ रहा है तो दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल आ रहा है तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये एक्स है ये वाई है ये जेड है। तो ये जो अगर एक्स एक्स ओवरलैपिंग करेगा तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, वाई वाई ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, जेड जेड ओवरलैपिंग करेगा तो लीनियर ओवरलैपिंग। तो ये दोनों का ओवरलैपिंग लैटरल है और लैटरल ओवरलैपिंग के चलते ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो जहां भी पी एक्स आएगा चाहे 2px 3px 4px कोई भी px उसके साथ पाई रहेगा, ठीक है px का भी बताया। अब एक चीज और यहां py भी देख लीजिए, लैटरल ओवरलैपिंग कर रहा है तो py भी जहां भी आएगा वहां उसके साथ पाई दिखा रहा है, ठीक है 2py 3py कोई भी py तो वहां पाई रहेगा। और ये देखिए z pz तो 2pz 3pz कोई भी pz रहेगा तो उसके साथ सिग्मा रहेगा, क्यों रहेगा जवाब सामने है लीनियर ओवरलैपिंग करेगा इसलिए। अब आइए कब बॉन्डिंग होगा, कब एंटी बॉन्डिंग कैसे आता है कहां से आता है। तो यहां पर हमने कल बताया था कि जब दो एटम के ऑर्बिटल, यहां शुरू से कल वाला बता रहे हैं दो एटम के ऑर्बिटल जैसे कि एस टू में दो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने है तो हम बताए थे कि दो एटम का ऑर्बिटल जब सामने आता है तो नियम कहता है कि जितना यहाँ पर कॉम्बिनेशन के लिए भाग लेता है उतना ही बनता है। तो भाग कितना ले रहा है, दो दो एटम के ऑर्बिटल तो बनेगा भी दो, तो बनेगा कैसे तो एक बार एडिशन से और एक बार सब्सट्रैक्शन से। तो एडिशन से बनेगा सिग्मा वनेस और सब्सट्रैक्शन से बनेगा, इसी तरह से 2s 2s का भी अगर हम बात करें तो एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन से बनेगा सिग्मा 2s और सब्सट्रैक्शन से बनेगा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s। अब यही बात हम आपके सामने 2p का करने जा रहे हैं। ये है 2p का एक एटम का ऑर्बिटल और ये है दूसरे एटम का ऑर्बिटल। ये देखिए ये है 2px 2py
2πz और ये है 2πx, 2πy, 2πz। तो यहां समझना क्या है कि 2πx 2πx जब आएगा एक दूसरे के सामने तो एक बार एडिशन होगा तो बनेगा पाई 2πx और एक बार सब्सट्रैक्शन होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2πx। इसको अलग से समझिए, 2πx 2πx एक दूसरे के सामने आया तो एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन। तो पहले से आपको यह समझा दिया गया है कि 2πx जब आता है तो उसके साथ क्या आएगा, पाई, और यहाँ पाई 2πx तो ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, और एडिशन वाला क्या होगा, बॉन्डिंग। सब्सट्रैक्शन वाला एंटी बॉन्डिंग और एडिशन वाला बॉन्डिंग। और ये पाई कैसे आया ये हम क्लियर पहले कर दिए कि ये लीनियर ओवरलैपिंग से आ रहा है इसलिए। और अब जस्ट लाइक 2πx की तरह 2πy का भी कॉन्सेप्ट है, ये हो गया पाई 2πy, तो ये हो गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2πy। अब 2πz 2πz तो ये हो गया सिग्मा 2πz और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2πz। अभी तक जो आप समझे उससे 10 गुना फास्ट स्पीड से अब समझने का क्षमता आप में आ गया है, वो आप नहीं देख सकते हम देख सकते हैं। यहां देखा जाए हम H2 का डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, दो तरफ H हम लिए, H2 कितने एटम से बना है, एक H का कॉन्फिगरेशन हम लेफ्ट साइड में लिए और दूसरे H का इधर लिए राइट साइड में। दोनों H के मिलने से H2 बनेगा। तो ये है एक H, ये है दूसरा H, दोनों H अपना अपना ऑर्बिटल लेकर तैयार है, दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होने जा रहा है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी दोनों के मिलने से H2 बनेगा। तो ये बता दे आपको कि ये दोनों साइड जो चल रहा है ये एटम का ऑर्बिटल चल रहा है और दोनों के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो एक बार एडिशन से बना सिग्मा 1s, सब्सट्रैक्शन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो एक और एक कितना हुआ, दो हुआ। तो यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यहीं पर खत्म होंगे, ठीक है। कुछ और आगे चल रहे हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। हम बनाने जा रहे हैं Li2। हीलियम 2 क्यों नहीं बना है, क्योंकि आप लोग बॉन्ड नंबर निकाल कर लाए हैं 0, इसका बॉन्ड नंबर 0 आएगा उसका डायग्राम। देखिए Li2 से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू। बताइए जल्दी से Li कितने मोल कितने एटम से बना है। तो एक Li को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं और दूसरे Li को राइट हैंड साइड में। तो एक Li का कॉन्फिगरेशन बोलिए 1s2 2s1। एक Li का कॉन्फिगरेशन, जो लोग Li का कॉन्फिगरेशन आज तक नहीं देखे हैं उसके लिए 1s2 2s1 इसी को ऐसे लिखे हैं। और दूसरे Li को इधर 1s2 2s1 देख रहे हैं। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन भरे, 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1। तो ये दोनों Li तैयार है, ये दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा जी, Li2। तो 1s 1s का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन क्या बनाएगा सिग्मा 1s और सब्सट्रैक्शन क्या बनाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2 और 2, तो यहां पर 2 और 2 4 है, तो पूरा पूरा फुल हो जाएगा, हो गया। यहां क्यों नहीं फुल हुआ था, क्योंकि मात्र दो ही इलेक्ट्रॉन था, एक और एक, और यहां 2 और 2 तो दोनों में भर गया। अब यहां 2s 2s का एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो बना क्या सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो बोलिए एक और एक, तो यहां भर दिए 2 और भरे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया वो लास्ट सेकेंड लास्ट चांस है, इस पर समझ लेगा, ठीक है। स्टार्ट, दोनों तरफ बोरॉन ले लिए, ये एटम है कि मॉलिक्यूल, एटम, और दोनों के मिलने से बन जाएगा मॉलिक्यूल। तो एक बोरॉन का कॉन्फिगरेशन बोलिए 1s2 का मतलब 2, 2s2 2, 2p1 1, 1s2 2s2 2p1 अब शुरू हो रहा है। इधर हो बटो दीजिए, दोनों के मिलने से एक बार बना एडिशन से सिग्मा 1s और सब्सट्रैक्शन से पूरा पूरा फुल हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है अब। और अब यहां दोनों के एडिशन सब्सट्रैक्शन से ये दोनों बना
ये भी पूरा हो गया क्योंकि चार था चार, लेकिन जरा बढ़िया से देखिए इधर से वन, इधर से वन मिला है तो वन और वन वन और वन टू, दो ही एक पर है। और मिडल इतना तैयार है क्योंकि निश्चित है कि जब तीन आया, तीन इधर से आया तो छह और मिडल भरेगा, लेकिन भरेगा उतना ही इतना है। तो कितना है? दो, दो है। तो बढ़िया से इस दोनों को भी देख लीजिए, दोनों इक्वल एनर्जी का है। वन वन, अभी हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन रहता तो इसमें किसी में पैर लगा दें, किसी में छोड़ देते, लेकिन किसी में कर सकते हैं। और ये दोनों एक साथ क्यों भर रहा है? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी जोड़ता है। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया, लास्ट चांस समझने का। O2 का कॉन्फिगरेशन, O2 बता दीजिए कि फर्स्ट को बनेगा कि सेकंड पास, कैसे जाने? O का एटॉमिक नंबर A सेवन से अधिक, तो एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में O लिए और राइट हैंड साइड में O लिए। O का कॉन्फिगरेशन 2B4, तो यहां पर दो दो हो गया। इसका देखा जाए 1s2 2s2 2b4, ये हो गया पूरा। और ये देखिए 4 हो गया, ये दोनों कंप्लीट फिल करेगा, इसमें भी कंप्लीट, ये पूरा पूरा लिखते हुए चलेंगे पावर। और ये देखिए 2s2 2s2 दो दो चार, पूरा पूरा फुल होगा इसमें भी। जो समझना है यहाँ, चार और चार आठ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से आपको बता दें ये सब एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे है मतलब इसकी एनर्जी कौन है, इसकी एनर्जी अधिक है। और चार आठ है, स्टार्ट होना है दो हो गया, वन वन टू टू छह भर दिए क्योंकि हमारे पास चार और चार, तो वन वन भरे फिर टू टू भी भर दिए, मतलब पूरा फुल कर सकते हैं। तो आठ में से कितना भरे, कितना बच गया? दो।